देख सकते हो रास्ता बंद है तो सब गेट हम लोग को चढ़ के आना पड़ रहा है। छोटे क्या क्या पढ़ना पड़ा, डीबीएम बॉय देखो, डीबीएम ब्लॉग्स भाई, ब्लॉगर्स की जिंदगी, ब्लॉगर्स की कंटेंट के लिए सब करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। और गांव के बच्चे सब स्कूल जाते हुए संकेत Hey, hello, what's up, public? Welcome back to अपन का YouTube चैनल DBM, बोले तो डाइनिंग बाय मून। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से प्यारे से व्लॉगिंग चैनल पे। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 की हमारी हो रही है कर्नाटका से। तो कर्नाटका का मैं जब आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम आए हुए हैं बदामी जो कि एक छोटा सा सिटी है कर्नाटका में। तो यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि ये यहाँ पे जो केव्स है, यहाँ पे जो मंदिर है, टेम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे है। एक्चुअली हम लोग को जाना था हम्पी कर्नाटक मुंबई से, बट हम लोग ने जरा सर्च किया कि हमें पता चला कि बदामी एक होल्ड करने जैसी जगह है जो कि यहाँ से हम्पी यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सोचा पहले बदामी एक्सप्लोर करते हैं। बदामी में यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर में पट्टा डक्कल एक प्लेस है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, वो हमें देखने जैसा है। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले बदामी की। बदामी अभी हम लोग फिलहाल होटल में रात को स्टे किए थे, मैंने आपको लास्ट वॉक में एक छोटा बताया था, बट ये देखिए आप, हम लोग ने पूरा हॉल ही लिया है जो कि पूरा 6 बेड का है, जो हम लोगों से 1500 रुपीज़ में मिला था 24 आवर्स के लिए, बहुत अच्छी डील में। तो अभी थोड़ा रूम मैसी है तो इसके साथ आपको रूम मैं शो नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं पट्टा डक्कल के लिए। हम लोग का जो सामान रहेगा वो तो अभी रूम में रहेगा, बिकॉज हम लोग पट्टा डक्कल करके वापस से आएंगे रूम में एंड फिर हम लोग यहाँ से बाइक ले जाएंगे। तो अभी फिलहाल बदामी तो हम लोग नॉर्मल वॉकिंग ही करना, क्योंकि सब आजू बाजू साइड है। तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेगी जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ बदामी क्या है, बिकॉज बदामी मेरे ख्याल से इतना फेमस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इधर आए ताकि इस प्यारी से सिटी को भी हम लोग और एक्सप्लोर कर सके एंड लोगों को भी बदामी के बारे में पता चल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए बढ़ते हैं बाहर की तरफ एंड शुरू करते हैं आज का बदामी पट्टा डक्कल का एक्सप्लोर। तो नीचे उतर के आप देख सकते हैं हमारी कुछ बाइक ऐसी यहाँ पे पार्क थी, रात को हम लोगों ने आके बहुत थके हुए थे, बिकॉज रात में जो हम लोगों ने 600 किलोमीटर का राइड किया था बहुत हेक्टिक था। हेक्टिक मीन्स ठीक है, हम लोग नॉर्मल थे, बट जो बैक पेन होता है वो राइडर्स को पता ही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हम लोग बहुत थके हुए थे, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे नेगोशिएट कर करके बहुत सारे होटल रूम देखे थे, जहाँ पे 2000, 2500, 1500 भी हम लोग को यहाँ पे फिर एक रूम मिल गया जो कि हम लोग को बेस्ट डील मिला। तो अब बात करते हैं यहाँ से, फिर हम लोग को वैसे आज जितना जल्दी हो सके हम लोग निपटाएंगे, बिकॉज आज ही हम लोग को शाम को निकलना है हम्पी के लिए, हम्पी भी हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप लोग बने रहे, बिकॉज हम्पी भी आपको मैं ज़रूर एक्सप्लोर बताऊंगा। देखते हैं अगर मैं हम लोग को वहाँ पे शाम तक पहुँच गए तो हम लोग वहाँ पे और एक दो साइड कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं पहुँच पाते तो बदामी पट्टा डक्कल तो आपके लिए ये ब्लॉग में है ही। तो बस होटल के बाहर आते ही हम लोग को लगी भूख, तो हम लोग को ब्रेकफास्ट करना था, तो हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो हम लोग अभी यहीं पे अंदर जाएंगे एंड यहीं पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग ने ऑर्डर किया था इडली, मेंदू वड़ा, रसम एंड चटनी के साथ, जो क्या की स्पेशलिटी होती है। तो अभी यहाँ का ये ब्रेकफास्ट हम लोग ट्राई, देख सकते हो रास्ता बंद है तो सब गेट हम लोग को चढ़ के आना पड़ रहा है। क्या क्या पढ़ना पड़ा, डीबीएम बॉय देखो, डीबीएम ब्लॉग्स भाई, ब्लॉगर्स की जिंदगी, ब्लॉगर्स की जिंदगी, कंटेंट के लिए सब करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। समीर बचा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो पब्लिक आप लोग ने देखा, जैसे वैसे ये ताला यहाँ पे लगा हुआ था, गेट बंद था, बट यहाँ के जो लोकल्स थे, हम लोग को आंटी लोग ने बोला कि आप लोग जा सकते हो, बट आप लोग को ये गेट चढ़ के आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इतना दूर है, मुंबई से आए यार, तो इतनी तो मेहनत बनती है। तो हम लोग आए हुए हैं मलागीति शिवालय में, तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जो है पूरा मलागीति शिवालय है। तो थोड़ा नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत ऊपर की साइड है, तो अच्छे से थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं इसको, चलो। भाई साहब, जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा पत्थर है, बाप रे बहुत बड़ा पत्थर है एंड धीरे धीरे अभी हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ का जो मेन हिस्सा है वो यहाँ के जो लाल मिट्टी होता है ना, लाल मिट्टी पत्थर, वो देखने जैसा है एंड आप देख सकते हैं क्या ही पीछे मेरे पूरा पूरा गाँव है, पूरा बदामी सिटी है ये।
तो बादामी इतना फेमस नहीं है, बट हम लोग आए इसीलिए कि ताकि इतने जो छोटे छोटे जो स्पॉट होते हैं जो फेमस नहीं है, जो टूरिस्ट स्पॉट हम इसे बना सकते हैं, तो मदद करनी चाहिए हमें भी ऐसी जगह को वायरल करने के लिए। तो पीछे आप लोग जैसे देख सकते हो, जो हम लोग मेन शिव टेंपल के लिए आए थे, जो हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए, लेकिन वो है बंद। बंद होने का रीज़न तो नहीं पता, बट इतना पता चला है कि ये जो टेंपल है, मतलब ये जो आप देख सकते हो एरिया, ये 6th century में बना था। आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी जगह है ये, बट फिर भी समझ में नहीं आता इतनी फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम्पी ज़्यादा कर्नाटक में फेमस है अगर देखा जाए। बट आप देख सकते हो ऑसम प्लेस है यार, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे जो बनाया हुआ है, इसमें पूरा गैप है, मीन्स इसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए बनाया है। आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पे कुछ ऐसा जैसा भी होता है सीमेंट वगैरह से पैक किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा मंदिर को यहाँ पे लोग ने एक स्टोन के ऊपर रख के बनाया। बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ये ना गणपति का ही मूर्ति शायद, पता नहीं अपने को आइडिया नहीं, बट लगा ऐसे ही रहा ना, तो गर्मी इतनी थी तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है नारियल पानी, जो कि सिर्फ 20 rupees का यहाँ पे नारियल पानी मिल रहा है। तो इतनी गर्मी में नारियल पानी सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है फिलहाल हम लोग को। तो गाइस आप देख सकते पीछे, यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं 2nd spot पर हमारे, जो कि है भूतनाथ टेम्पल। आप पीछे देख सकते पूरा गाँव में से आते हुए हम लोग, पूरा गाँव में से आए, एंड एक नंबर गाँव है, एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छा सा गाँव है। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं भूतनाथ टेम्पल में, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक हम लोग आए भूतनाथ टेंपल पे, और क्या देखने मिला, ये नज़ारा देख सकते हो आप पीछे, पूरा लेक, क्या ऑसम व्यू है यार। मतलब पीछे आप देख सकते हो पीछे पानी, देखने इतना सुकून लग रहा है, और टेंपल देखे किधर है, ये हो भूतनाथ टेंपल जो हम लोग अभी जा रहे, एकदम पानी के बीचों बीच में ये टेंपल बनाया गया है। तो मतलब अगर दूर से आप जब देखते हो तो देखने से बनता है, तो अलग ही वाइब है, एकदम देख के ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ पॉजिटिव ऐसा वाला टेंपल, मतलब बहुत कम देखने मिलते हैं ऐसे पानी के बीचों बीच में ऐसा टेंपल। क्या लगता है करो? यस ब्रो, है ना, यहाँ आके एकदम पॉजिटिव वाइब आएगी यहाँ पे। तू संभाल, तू पॉजिटिव हो जाएगा ना। नहीं, वो तो है, पर एक अलग ही मजा है, पूरी थकान मिट गई, पूरा पानी का व्यू। आपको तो मोहिनी ने दिखाया रहेगा कि बाजू में तालाब है और तालाब के बाजू में मंदिर, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा व्यू रहेगा ये। अभी और अच्छे से ऐसा एक्सप्लोर करते हैं, चलो। मूर्ति निकाला है ना, तो मतलब यहाँ पे अंदर मूर्ति नहीं है, सिर्फ टेंपल है। ओके हाँ, अंदर कोई भी टेंपल के अंदर मूर्ति नहीं है, तो इसके लिए अपन इधर पूजा नहीं होती है ना, नहीं। इसके मतलब पर्यटकों के लिए रखा है। अच्छा, सिर्फ मतलब टूरिस्ट के लिए, ओके। तो सर टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, कोई भी मंदिर के अंदर टेंपल ये नहीं, मूर्ति नहीं है। हाँ
तो गाइस अभी आज से हम लोग जो भूतनाथ टेम्पल अभी घूम चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे सामने एक म्यूज़ियम भी है, बट वो म्यूज़ियम में हम लोग जाएंगे नहीं और सारा टाइम नहीं है हम लोग के पास, तो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप देख सकते सामने वो केव्स है, तो अब हम लोग वो केव जाएंगे, तो उस घर भी जाने के लिए लगभग अभी हम लोग को यहाँ से आधा घंटा थोड़ा चलना होगा, एंड वहाँ पर भी हम लोग को एक घंटा तो पूरा घूमने के लिए चाहिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस केव्स की ओर। तो सीन अब ऐसा है कि हम लोग को लगी है भूख, तो अभी ऑप्शन है यार भूख को देखे या फिर अभी केव जाए, तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है। क्या करते भाई बंटाई को लगे ली भूख केव्स, तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं केव्स की। और गाँव के बच्चे सब स्कूल जाते हुए संकेत आए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे थर्ड स्पॉट पे, जो कि है केव्स। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है, टिकट का यहाँ पे पर पर्सन का प्राइस है 25 रुपीज़ आपको पर हेड यहाँ पे करना पड़ता है। तो गाइस केव्स से ऊपर आएगा आप देख सकते हैं हम लोग वहीं पर थे, वो है वो भूतनाथ मंदिर जहाँ पे हम लोग थे कब से सामने, एंड जो सामने मैंने आपको केव्स बताया था वहाँ से हम अभी वही केव्स पे, ये वो जहाँ से हमें ऊपर आए हैं देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो केव्स में आप जब आते हो, तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे है टोटल 4 केव्स, तो ये आप देख सकते हैं ये मैं केव्स नंबर 1 में हूँ। तो यहाँ पे चारों भी केव्स के अलग अलग रहस्य अलग अलग टाइम पे ये बने हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे मूर्ति नहीं अंदर, तो यहाँ पे पूजा नहीं होती है, आप देख सकते हो अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ केव्स नंबर 2, इसके भी अलग ही रहस्य है। मैं आपको इसके जो बोर्ड्स लगे हुए यहाँ पे केव नंबर 1, केव नंबर 2, केव नंबर 3, केव नंबर 4 के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हो मेरा वीडियो पॉज करके, जो कि मैं आपको। अभी का प्लान ये है कि अभी हम लोग केव्स हो गया, हम लोग ने बादामी अच्छे से घूम लिया है, तो अभी हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज थे कि यहाँ से पट्टाडकल जाके आए और फिर यहाँ पे से वापस चेंज करके हम लोग निकले हम्पी के लिए, या अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट पट्टाडकल से निकले हम्पी के लिए। तो अभी हम लोग का बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद, एक दूसरे को गाली देने के बाद, बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई थी करण और राहुल की, वो सब करने के बाद हम लोग की देखो यार ना देखो मारामारी का देखो कितना अच्छे से चल रहे लोग देखो ये अब सुनाओगे ये तू मेरा भाई है। तो सब डिस्कशन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग जाएंगे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ही हम लोग सीधा अपनी बाइक्स लेके निकलेंगे पट्टाडकल के लिए, ना वही से हम्पी निकलेंगे ताकि फिर हमें वापस बादामी आने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के सफ़र पर। सो पब्लिक हियर वी आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स पट्टाडकल। तो पट्टाडकल यहाँ से कुछ है 22 किलोमीटर्स, तो हम लोगों ने सोचा भी इतना सामान लेके, अभी आप देख सकते हम लोगों ने पैक पूरे बैग अभी वापस पैक किए बाइक पे लाके, तो अभी इतना वापस हम लोग जाते थे, वहाँ से वापस बादामी आते थे, फिर यहाँ से वापस हम्पी के लिए निकलते थे, तो बहुत ज़्यादा मीन्स उन्होंने 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता। तो हम लोगों ने सोचा इतना टाइम वेस्ट भी करने से अच्छा
इतना किलोमीटर जाके वापस जाने से अच्छा यहीं से अभी सीधा हम लोग रेडी होकर निकलेंगे पट्टाडकल के लिए। वहीं पर मंदिर है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक मंदिर है, तो वो हम लोग विजिट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं सीधा वहीं पर। सो पब्लिक, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पट्टाडकल में एंड बहुत ही खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं पीछे मेरे, फिलहाल तो पूरा क्लीन है। एंड यहाँ पे टिकट है गाइस 40 रुपीज़ आपको पर पर्सन यहाँ पे टिकट पे करना है। एंड आपको अगर व्लॉग बनाना है तो वीडियो निकालना है तो आपको उसके लिए 25 रुपीज़ पे करना है। तो अभी हम लोगों ने जैसा तय किया था, तीन लोग बाइक के पास रहेंगे, तो मैं अक्षय एंड राहुल साथ में आए हुए, क्योंकि लगेज संभालने के लिए फिर हम लोग को जैसे फिर वो लोग तीनों जब अंदर आएंगे तो हम लोग तीनों को बाहर रुकना पड़ेगा, तो हम लोगों ने वही तय किया था। तो अभी आ चुके हैं, तो चलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि पट्टाडकल है उसमें से जो ये एक जगह है हम उसे करते हैं एक्सप्लोर। देख सकते हैं डायमंड, समीर और करण तीनों भी बाहर उधर ही खड़े, हम लोग ने लोगों को बैग के रखवाली करने रखा है बाइक के ऊपर जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखिएगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना साफ़ सुथरा लोग यहाँ पे क्लीन किया है, बहुत अच्छा मेंटेन है गार्डन और। और ये हमारी साइट, ये है आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक जो कि पट्टाडकल में है, एक छोटा सा सिटी है। एंड आप देख सकते हैं जिसका आर्किटेक्चर है लाइक देखता बनता है एकदम, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि और नज़दीक जाके देखूँ जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये गाइस 7th-8th century से बनाया हुआ मंदिर है। इसकी जो ख़ास बात है ये यहाँ पे जो बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मंदिर है, जैन टेम्पल्स भी है, हिंदू टेम्पल्स भी है, तो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज के दिन के लास्ट स्पॉट जो कि हमारा पट्टाडकल था वो भी होता है ख़त्म। तो आपने आज देखा मैंने बादामी एंड पट्टाडकल को हम लोग ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज का जो सफ़र है, शाम को बज रहे 5:30, अभी आज से हम लोग निकलने वाले हम्पी के लिए। हम्पी के लिए अभी जो नाइट राइड होगा तो मैं ज़्यादा शो नहीं कर पाऊँगा, तो सीधा मैं आप लोग को मिलूँगा मॉर्निंग में, वो भी शुरू करेंगे हम्पी में, लेकिन वो होगा अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, यही नहीं आपने अगर मेरे बाकी ब्लॉग्स भी देखे हैं ना, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फिर बेल आइकन भी दबाना है जिसकी वजह से आपको आएगी नोटिफिकेशन मेरे ब्लॉग्स की। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कोई अच्छा पार्ट लगा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं मैं आपको मेरे सीधा अगले ब्लॉग में।